भाई नमस्कार है अपने सभी भाइयों को और बहनों को, दुनिया में से कहीं से भी सुन रहे और देख रहे मुझे इस वीडियो में। आप सभी भाइयों का एवं बहनों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ कह लो और कहीं ना कहीं एक बड़ा अपडेट आप कह सकते हो कि जो कि रेलवे विभाग द्वारा इंडिया देश में आ चुका है। आप सभी को बता दूं, खासकर ये वीडियो इंडिया के लोगों के लिए खास होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया देश के लोगों के लिए। तो आप लोग ध्यान से सुनना, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2024 में जैसा कि बताया भी जा रहा है लोगों द्वारा कि रेलवे में वैकेंसीज आएंगी और देखने को मिलेंगी। लोग कह रहे हैं कि 2024 ईयर में लोगों को वैकेंसीज जो है रेलवे में, यानी भारतीय रेल में देखने को मिलेंगी। फॉर अबाउट द अदर रीजंस, आप जैसे कि सुनोगे लोगों से, लोग बताएंगे भी कि क्या कारण है 2024 में वैकेंसीज देखने के। जो भी कारण हो, आपके लिए वैकेंसीज आना चालू हो चुकी हैं। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले ALP के लिए जो लोग पूछ रहे थे या फिर जो लोग ALP के लिए वेट कर रहे हैं, ALP क्या हो जाता है, असिस्टेंट लोको पायलट। हालांकि ये पोस्ट बढ़िया है, जिन भी लोगों को लेना हो रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट का वैकेंसी, 2024 ईयर की बात कर रहा हूँ। अब दोबारा सुनो एक बार, ALP मीन्स असिस्टेंट लोको पायलट, ये 2024 में रिक्रूटमेंट रहेगा आपका रेलवे द्वारा। तो इस बार जो आपकी वैकेंसी दी गई है असिस्टेंट लोको पायलट में 2024 ईयर में, वो जो है उसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया। आपको बता दिया उन्होंने एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें शॉर्ट में बताइए, डिटेल्ड में अभी नहीं आया है, लेकिन आपको ये बता दिया गया है कि आपका इस नोटिफिकेशन कब आ सकता है और कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे ALP में। जो लोग भी असिस्टेंट लोको पायलट चाह रहे हैं तो उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी खास रहेगा। इंडिया में आप झारखंड से सुन रहे हो मुझे, मेघालय से सुन रहे हो, और कर्नाटक, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, या फिर दिल्ली से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश, या फिर कोई भी ऐसी जगह है इंडिया देश में, आप वहां से मुझे सुन रहे हो, किसी भी यूटी से या किसी भी स्टेट से या किसी भी जगह से, आप सभी के लिए वीडियो काफी खास होगा। क्योंकि 2024 ईयर में ALP का रिक्रूटमेंट RRB द्वारा होता है। आपको पता ही है रेलवे में RRB द्वारा जो रिक्रूटमेंट होता है ALP का, जिन लोगों को भी नहीं पता, जो पहली बार नए हैं ALP के रिक्रूटमेंट्स के लिए, उनके लिए काफी ज्यादा खास रहेगा वीडियो। और जो लोग पहले से ही रिक्रूटमेंट में जाते आए हैं रेलवे में किसी ना किसी चीजों के लिए, और खासकर अभी जो लोग ALP में जा रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी खास रहेगा। आप सभी लोग ध्यान से सुनो। आपको बता दूं, इसमें नोटिफिकेशन आउट हो गया आपका, जिसमें बताया गया है कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म का फीस क्या लिया जाएगा, ऑल इंडिया में एलिजिबिलिटी क्या रखी है इन्होंने और कैसे सिलेक्शन करेंगे, ये सारा कुछ इन्होंने एक शॉर्ट नोटिस में बताया है। ठीक है भाई, डिटेल्ड में नहीं दिया है रेलवे ने, लेकिन शॉर्ट नोटिस में इस चीज़ को दे दिया है कि आपकी रिक्रूटमेंट कैसे होने वाली है ALP में। तो वो मैं आपको बता दूं, 5000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज दी है इस बार के नोटिफिकेशन में। कितनी वैकेंसीज भाई, 5000 प्लस। एक्चुअल नंबर मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, पहले आप इतना सुनो। देखिए भाई, 5000 प्लस लोगों को यहाँ पर ये पोस्टें दी गई हैं असिस्टेंट लोको पायलट के रिक्रूटमेंट के लिए 2024 ईयर में। मतलब कि ये सारी वैकेंसीज वो हैं जो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए भरी जाएंगी रेलवे में, इंडिया से कहीं से भी आने वाले लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं इस नोटिफिकेशन को डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ इस वीडियो में। आप सभी लोग ध्यान से सुनो और इसके बाद आप लोग अप्लाई करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। रही बात इस नोटिफिकेशन की या इस रिक्रूटमेंट के कोई भी लिंक की, वो मैंने आपको वीडियो के नीचे दे दिया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ठीक है भाई, हाँ एक चीज़ और आप एक बात याद रखिएगा, आप लोग जैसे यहाँ पर जाते हो तो आपको अभी वेबसाइट पर इस चीज़ को देखने को नहीं मिलेगा। मैंने ये देखा, मेरे को यहाँ पर देखे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया देश की जो आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे के अंदर RRB की जो वेबसाइट है ना, न्यू दिल्ली में इनका मेन ऑफिस है, तो वहाँ से ये नोटिस आया है और आपको इधर वेबसाइट पर नहीं दिखेगा वो चीज़। ठीक है, तो होता है कई बार समय लग जाता है वेबसाइट पर चीज़ आने में, लेकिन वो आपको पता लग जाएगा। आप कल के अंदर इस चीज़ को देख सकते हो, कल आज से लेकर कल तक, मतलब आप कल की इवनिंग तक इस चीज़ को जरूर देख पाओगे, मतलब इस चीज़ के अंदर जो भी आपका अपडेट आया हुआ है। तो एक बार आपको और चीज़ एक बार दिखा दूँ यहाँ पे, जैसा कि आप RRB का वेबसाइट देखोगे तो यहाँ पर आपको इधर आप चाहो तो एक बार यहाँ से नीचे नोटिस आ रहे हैं कई सारे, ये भी नोटिस आ रहा है आपके, देखिए ALP के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इधर आप देखोगे लेकिन आपको वहाँ नहीं मिलेगा ये चीज़, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ, फिर भी कुछ समय के बाद यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। जो लोग फॉर्मेट ढूंढते हैं अपने फॉर्म लगाने के लिए, जैसे कि SC ST OBC वाले फॉर्म अगर आपको लगाने होते हैं जॉब पर अप्लाई करने के लिए, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए सारे फॉर्म हैं, आप यहाँ से डाउनलोड करके उनको भर के और वेरीफाई करा के, जो भी जिस भी जैसे कि DM, SDM या जिस भी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार के आपके जो स्टैंप लग रहे हैं उसको लगा के आप उसको लगा सकते हो फॉर्म के अंदर इस रिक्रूटमेंट्स के लिए, और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं इस प्रोसेस में, इस तरीके से कर सकते हैं। ऑल RRB अगर आपको जानना है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कितने हैं पूरे इंडिया में, तो आप ये देख सकते हो।
हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आगे भी आ जाता है कि कितने आरआर भी हैं इंडिया में। अब बाकी आप देख लो, अहमदाबाद है, अजमेर, इलाहाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, और इस तरीके से सारे आरआरबीज हैं। आरआरबीज अलग हो गए, आरआरसीज अलग हो जाते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल अलग होते हैं और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अलग होते हैं, दोनों के काम अलग अलग हैं। आप सारी चीज़ें यहाँ से समझ सकते हो। ठीक है भाई, मैं आपको दिखा दूँ, आप यहाँ पर जैसे आते हो तो आप इसको ऐसे क्लिक करोगे ना, यहाँ पर ये एएलपी वाले नोटिस के लिए, तो आपको यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिलने वाली, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। फिर भी हालांकि ये वेबसाइट है, आपको यहाँ मिलना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा वो चीज़ नहीं मिली। चलिए मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ, ये आपका नोटिस है, ये आपको प्रोवाइड कराया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी कि जो, जैसे कि आप जानते हो इंडिया के अंदर, देश के अंदर, जैसे कि और देशों में भी होता है, इंडिया में भी ऐसा ही है। मिनिस्ट्री रेलवे की अलग है, डिफेंस की अलग है, फाइनेंस की अलग है और एजुकेशन की अलग है, इस तरीके से अलग अलग मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री बेसिकली ये होती है कि वो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री उस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्सिबल रहती है उस देश में। सपोज इंडिया में अगर रेलवे का मिनिस्ट्री है, तो सारा कुछ रेलवे का सारा काम, जॉब्स कैसे रिक्रूट करनी है, कौन कौन से पोस्टों पर रिक्रूट करना है, कैसे क्या करना है, वो रेलवे का मिनिस्ट्री संभालेगा। सेम इसी तरीके से एजुकेशन मिनिस्ट्री में एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा, कोई भी बदलाव आएगा, या कुछ भी आएगा, ये नई चीज़ हो रही होगी एजुकेशन के रिगार्डिंग इंडिया में, तो वो सब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा आएगा, वही फॉलो होगा इंडिया देश में। इसी तरीके से हर देश में, पूरे दुनिया में चल रहा है आज के समय पर, 2024 ईयर में। आपको बता दूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जो आ जाती है मिनिस्ट्री, उसमें जो आरआरबी है, आरआरबी मिनिस्ट्री रेलवे में ही काम करेगा, तो इसके ये बोर्ड उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्होंने कहा है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, यानी कि आपको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, आपको रोजगार कह लीजिए या जॉब देने के लिए एक नोटिस रिलीज कराए, पहला नोटिस है। ठीक है, ये तो रेलवे द्वारा, आरआरबी द्वारा है, पहला नोटिस 2024 में आप जॉब के लिए देखोगे। और इसमें आप देखोगे रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट है, यानी एएलपी है। आप देखोगे स्टेशन पर जो एएलपी होते हैं, हालांकि जो रेलवे में आप देखोगे असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं, उनकी बता रहा हूँ। और इन्होंने कहा है हम इन्वाइट कर रहे हैं जो भी लोग एलिजिबल हो, आप लोग इंडिया से, देखोगे आप यहाँ पर लिखा है एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट गिवन इन द टेबल बिलो, द लास्ट डेट सबमिशन आपकी इनके, इन्होंने रख दी है 19 फरवरी, यानी कि 19 फरवरी को ये आपका फॉर्म क्लोज कर देंगे। आप लोगों को जिनको भी अप्लाई करना है कर लेना। ठीक है, आप ये चीज़ देखना, यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है, एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, एप्लीकेशन जितने भी भरोगे आप, हर तरीके से पूरी होनी चाहिए, हर डिटेल। आप अपना फोटो साइन अपलोड करोगे, अपने मार्कशीट्स को अपलोड करोगे, क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालोगे, एड्रेस डालोगे, सारी चीज़ें करेक्ट डालें और फुल अच्छे से फिल कर लें। सभी को ऑनलाइन भरना होगा इस फॉर्म को, मतलब आप लोगों को कहीं भी किसी भी आरआरबी में नहीं जाना होगा, इंडिया के किसी भी रेलवे मिनिस्ट्री में नहीं जाना, रेलवे स्टेशन पे नहीं जाना, आपको डायरेक्ट इसमें करना क्या है, इसमें ऑनलाइन आपको भर देना। ऑनलाइन मीन्स ये हो जाता है, आपको जैसे आरआरबी का वेबसाइट है वहाँ पर आप आओगे, वहाँ लिंक मिलेगा, उससे आप जाके फॉर्म भरना चालू कर सकते हो। मैं इसका फॉर्म फिलअप आपको कराने वाला हूँ, तो आप उसको देख लेना। ठीक है, ये पहला ही नोटिस है, आप देखोगे अभी रेलवे के द्वारा हो सकता है कि महीने दो महीने में एक के बाद एक नोटिस देखने को मिले, जैसे कि बताया भी गया और देखने को मिलने भी चाहिए। हालांकि कि 2024 ईयर का, जैसे कि आप लोगों ने बताया था कि इस बार देखने को मिलेगा, मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला भी कि इस बार नोटिस बहुत आने वाले हैं रेलवे के। अब देखते हैं कि लोगों का कहना ही है या सच में आते हैं, क्योंकि कुछ भी कह देना हो जाने में फ़र्क है दोस्तों। आप जैसा कि जानते ही हो, अगर वैकेंसी इतनी बड़ी देते हैं तो उसके बाद रिक्रूट करना भी पड़ता है, तो वो सब चीज़ें आप आगे देखोगे इंडिया देश में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 20 जनवरी, 20th of January से फॉर्म चालू हो रहे हैं और 19th of February में फॉर्म क्लोज है रात तक में, यानी इसका मतलब ये पूरा 1 मंथ का समय आपको दिया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए दिया है इन्होंने। यानी ये फॉर्म परसों डेट से चालू हो रहे हैं, परसों से लेकर ये आपके 19 फरवरी से चालू रहेंगे, तब तक पूरा 1 मंथ का समय है दोस्तों, इसको मिस मत करना अगर आपको रिक्रूटमेंट चाहिए हो। वैकेंसीज आपको बता दूं, असिस्टेंट लोको पायलट का है, पोस्ट का नाम एएलपी है, जिसको आप सब लोग एएलपी शॉर्ट से जानते ही हो, और इसमें लेवल सेकंड का सैलरी दे रहे हैं, मतलब इनिशियली ये आपको 20,000 रुपये देंगे, 19,900 मीन्स 20,000, और मेडिकल स्टैंडर्ड A1, और एज एज ऑन आपकी एज जो है इन्होंने काफ़ी सही समय पे ली है, क्योंकि आप देखिए एज इस समय पे, इस समय से लेना क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट में हो सकता है ये समय आ जाए, ये रिक्रूटमेंट होते होते अभी तो आपसे फॉर्म भरवा रहे हैं। आप देखेंगे कि जुलाई इस साल के, दो इस साल के 1 जुलाई तक आपका एज जो है जो होगा वही इनको लेना चाहिए था, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट, अब हर किसी को ऐसा ही करना चाहिए, जिसका भी रिक्रूटमेंट निकालो तो जब आपका रिक्रूटमेंट पूरा हो जाए और कैंडिडेट अपना जॉब ले ले, उस दिन उसकी जो एज है ना वही होना चाहिए हर जगह पे। क्यों भाई ऐसा, इसलिए क्योंकि यार आप देखो ना, मान लीजिए आपने फॉर्म भरवाने के लिए कहा और आपने कह दिया आपकी एज जिस दिन फॉर्म स्टार्ट हुआ उस दिन जो है हम वो मानेंगे, तो ऐसे में दोस्तों दिक्कतें क्या होती है बताइए। दिक्कत ये होती है, चलो इंसान ने अपने देख लिया, हाँ भाई मेरी एज है, मैंने फॉर्म भर दिया। अब ऐसे लोग जो लास्ट स्टेज पे होते हैं उस एज में फॉर्म भरने के लिए, तो वो लोग फॉर्म भर रहे हैं यही रिस्क सोच सोच कर कि चलो हम अभी फॉर्म एलिजिबल होकर भर पा रहे हैं, तो ऐसे में उनकी एज तो भाई, एज में तो फ़र्क आएगा ही, जिस दिन उनकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी उनकी एज में फ़र्क आ जाएगा। अब इसीलिए जिस भी दिन आपकी जॉब मिल जाए, एग्ज़ाम हो जाए, सारा
प्रोसेस हो जाए, और आपकी जॉब जब हाथ में आ जाए उस दिन आपकी जो एज हो ना वो रखना चाहिए हर रिक्रूटमेंट में, जिससे कि किसी का भी नुकसान ना हो। अब अलग अलग रिक्रूटमेंट बॉडीज है, प्राइवेट गवर्नमेंट सभी लोग अपना अपना सोच के डिसाइड करते हैं, वो उनके रूल है। यहाँ पर आप देखोगे RRB ने आपके लिए 1 जुलाई 2024 डिसाइड किया है, यानी 1 जुलाई 2024 में आप अगर 18+ हो आप फॉर्म भर देना अभी। और अभी आप देख लो, मान लीजिए अभी आप 18 से कम हो लेकिन आप 18+ कर जाओगे इस दिन पर या इससे पहले ही, तो आप फॉर्म भर देना। या फिर मान लीजिए इस दिन आप 30+ कर जाओगे तो आप फॉर्म मत भरना। मतलब अभी जो लोग 30+ हैं वो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, या इस दिन जो 30 एज कंप्लीट करेंगे वो लोग भी फॉर्म भर देंगे, लेकिन जो लोग 30+ अभी हैं या फिर इस डेट के बाद होंगे, ठीक है, इस डेट के बाद जो होंगे 30+ वो लोग तो फॉर्म भर ही सकते हैं, लेकिन जो इससे पहले हो गए 30+ वो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। टोटल वैकेंसीज बता दूँ, जितने भी RRB में इन्होंने दिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में, वो 5,696 दिए हैं, यानी ये टोटल कितनी वैकेंसी हो जाती है, ये हो जाती है 5,700, आप इसको मान सकते हो, ठीक है, 5,700। 700 में बेसिकली कितने कम है, इसमें 4 वैकेंसीज टोटल कम है इसके अंदर, बस इतनी, यानी कि 5,700 के लगभग इन्होंने वैकेंसी दी हैं RRB में, सारे RRB में डाल दिए हैं सारे ALPs को, ठीक है। आप देखोगे इसमें इन्होंने बताया एज का, तो मैंने आपको बता दिया एज ध्यान रखना 18 से 30 के बीच में जो भी लोगों फॉर्म भर देना, ठीक है। डेट इसी डेट को आप इस डेट पे, सिंपल सी बात है, अभी कोई ये कैलकुलेशन करनी ही नहीं है आपको कि अभी आपकी क्या एज है। आप ये देखो कि आप इस दिन पर किस एज के हो बस। अगर आप इस डेट पर 30 बिलो हो आप फॉर्म भर दो, इस डेट पर 18+ हो फॉर्म भर दो। मान लीजिए इस डेट पर आप 30+ हो तो आप लोग ऐसे में क्या करो, आप देख लो, अगर SC ST हो तो 35 एज तक फॉर्म भर दोगे, OBC हो तो 33 तक, और इसके अलावा अगर EWS और डिसेबिलिटी वाले हो तो आप 40 तक भी भर सकते हो। तो ये सब रूल होते हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा, ये आप देखोगे ना RRB के हरी हर हर वेबसाइट पर, मतलब आपके जितने भी RRB है ना इंडिया में सभी वेबसाइट पे आपको ये नोटिस देखने को मिलेगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड आपको बता देता हूँ, आप मेडिकली फिट हो, ठीक है, फिजिकली भी फिट हो, मेडिकली भी फिट हो, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए। जनरल फिटनेस आप देखो, फिजिकली फिट होना चाहिए हर रिस्पेक्ट में, हर तरीके से। डिस्टेंट विजन ये होना चाहिए कि 6x6 आपका आई साइड डिस्टेंट विजन हो, और 6x6 विदाउट ग्लासेस, आपको बिना किसी चश्मे के गॉगल्स के 6x6 दिखता हो, विद फॉगिंग टेस्ट, और मस्ट नॉट एक्सेप्ट एक्सेप्ट +2D, और मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2D यानी 2 डायमेंशन। और इसमें आप देखोगे नियर विजन इन्होंने कहा है 0.6, और इस तरीके से रहेगा 0.6 आपका जो है पास का दिखना चाहिए आपको ये बिना ग्लासेस के। मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, आपको जो है कलर विजन कि आपको कलर दिखते हैं हर तरीके के, जैसे कि आपको कोई बोला गया कि ये कौन सा कलर है, जैसे आप अभी नोटिस देख रहे हो तो नोटिस पर जो भी लिखा हुआ है वो ब्लैक कलर से लिखा है, और पीछे जो जो बैकग्राउंड में जो पेज है वो व्हाइट कलर का है, तो इस तरीके से आपको समझ आता होगा कि ये कलर विजन टेस्टिंग है, कि आपको पता लग रहा है कि ये व्हाइट है ये ब्लैक है। और बायनोकुलर विजन भी इसके अंदर कुछ टेस्ट होता है, इसी तरीके से आपका फील्ड ऑफ विजन है, नाइट विजन कि आपको रात में दिख रहा है नहीं दिख रहा, और मेसोपिक विजन, इस तरीके से होते हैं। तो इस तरीके से आपके हर तरीके से कुल मिला के आप ये समझो फिजिकली भी फिट हो, मेडिकल भी फिट हो, और इसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो कि हाँ भाई हम शरीर हर तरह से फिट हैं, इस तरीके के हमारे पास प्रूफ भी हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अभी इसमें क्वालिफिकेशन ये रहेगा आपका 10th पास यानी कि 10वीं पास, SSLC+ITI, आपने 10th पास कर लिया प्लस ITI कर लिया फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, आपने या तो नेशनल लेवल पर नेशनल काउंसिल जो आपका है NCVT, या फिर SCVT स्टेट काउंसिल वाला, या फिर नेशनल लेवल का स्टेट लेवल का आपने उस ट्रेड में, सपोज आपने ट्रेड्स ऑफ फिटर के में करा है, इलेक्ट्रीशियन में करा है, इंस्ट्रूमेंट में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट या मेंटेनेंस मैकेनिक में, या मैकेनिक रेडियो एंड टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, या फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल्स, और वायरमैन, या फिर ट्रैक्टर मैकेनिक, ये सारे जो आपके लिखे हैं ये ट्रेड है दोस्तों। बेसिकली आप करते क्या हो, आप लोग 10वीं 10th कर लेते हो, आप CBSE से करो, ICSE से करो, स्टेट बोर्ड झारखंड बिहार महाराष्ट्र किसी भी स्टेट बोर्ड से आप अपने 10th को पास करते हो। 10th के बाद आप लोग एक ITI यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, किसी भी जो भी ये लोग करा रहे हैं चीज़ें, आप वहाँ जाके या तो नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का एक सर्टिफिकेट लेते हो जो होता है ट्रेड का। बेसिकली आप फिटर पर जा सकते हो, इलेक्ट्रीशियन पर, जो भी आपका इंटरेस्ट होता है आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो किसी भी एक ट्रेड पर, टर्नर मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक, और इन सब में आपने अगर करा है, या फिर आपने 10th पास करने के बाद एक कोर्स कंप्लीट किया है एक अप्रेंटाइसशिप के एक्ट के अंदर, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। एक चीज़ उन्होंने ये भी कही, आपने 10th करा उसके बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा कर लिया, जो लोगों ने मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, तो इन सब में आपने करा है तो आप फॉर्म भर सकते हो।
ठीक है, ये इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा है, मतलब 10th पास प्लस ITI या फिर 10th पास प्लस डिप्लोमा 3 ईयर, तो आप लोग फॉर्म भर देना। इन्होंने ये भी कहा है डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, मतलब कि आपने डिग्री करी है इंजीनियरिंग में, एज अवॉब विल ऑल्सो भी एक्सेप्टेबल इन लियू ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, मतलब कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले को भी ले लेंगे, किसी ने डिग्री इंजीनियरिंग में करी है, सपोज किसी ने मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है, या मान लेते हैं किसी ने बीटेक करी या बी आर्किटेक्चर, बेसिकली क्या है दोस्तों इंजीनियरिंग की डिग्री, ठीक है, ये इन्होंने कहा है आप लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब डिग्री डिप्लोमा और ITI और 10th प्लस वालों को सभी को एक्सेप्ट करेंगे इस रिक्रूटमेंट में। और रिजर्वेशन इन्होंने जो बोले हैं SC ST और इन सब के, वो सारे कुछ सेंट्रल लेवल के चलेंगे, मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, वही सारा चीज़ें यहाँ पे चलेगा अपर एज में। एग्ज़ाम यहाँ पर कंप्यूटर पर करा लेंगे, कंप्यूटर आपको एक सेंटर्स रहेंगे इंडिया में, जगह जगह सेंटर में अरेंजमेंट रहेंगी, कोई भी कंपनी इसमें रिक्रूट करा सकती है, कोई भी एक कंपनी या फिर जितनी भी होती हैं वो रिक्रूटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेती हैं RRB से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, और वो कंप्यूटर के एग्जाम्स के लिए सेंटर अरेंजमेंट कर देते हैं और हर जगह मॉनिटर अवेलेबल करा के आपके एग्जाम्स को करा देते हैं। तो CBT बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, यानी कि हर एग्जाम कंप्यूटर पर होगा इस रिक्रूटमेंट का, मतलब आपको कहीं भी रिटर्न में एग्जाम नहीं देना होगा, कंप्यूटर पर एग्जाम देंगे। एग्जाम की फीस, अगर आपको ये जानना है कि एग्जाम की फीस, अब देखिए ये मेरे को नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर मिला नहीं, तो ये हरियाणा जॉब्स करके एक टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल है, मेरे को वहाँ पे मिला, तो मैंने वहाँ से अवेलेबल कराया है, आप देख सकते हो, तो ये नोटिस वहाँ से है। हालांकि मैंने आपको भी कहा भी कि वेबसाइट पे लिंक देखने को नहीं मिलेगा नोटिस का, तो मुझे ये एक चैनल पर मिल गया, तो मैंने आपके लिए वहाँ से लिए अवेलेबल करा दिया है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर अगर बात करें कितनी ली जाएगी, तो यहाँ पर आप देख लो कि आपसे 500 रुपीज़ फ़ीस ली जाएंगे, अगर आप लोग SC ST हो या फिर मान लीजिए आर्मी नेवी एयरफोर्स में कभी काम कर चुके हो, किसी रैंक के ऑफिसर रहे हो, किसी भी मान के चले रैंक के ऑफिसर किसी भी फोर्स में रहे हो, तो आप एक्स सर्विसमैन कहलाते हो, आपको पता ही होगा, तो वो लोग जो लोग वहाँ काम कर चुके हैं वो लोग भी इसमें रिक्रूटमेंट में फॉर्म भर सकते हैं, SC ST भी भर सकते हैं, महिलाएं सारी फॉर्म भर सकती हैं, और ट्रांसजेंडर लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, माइनॉरिटीज़ वाले और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास वाले लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। 250 रुपीज़ उनसे लिए जाएंगे इस फॉर्म के, बाकी जो अनरिजर्व है उनको 500 रुपीज़ पे करने हैं, और यही चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, इसमें एक एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर पर, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई आप किसी भी RRB के वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हो, या फिर एक सेंट्रल जो एक अलग से वेबसाइट दी है आपकी RRB की, वो न्यू दिल्ली वाली, उससे भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने RRB के कौन कौन से वेबसाइट है तो आप देख लो, आप लोग अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, इन सारे जगहों के, इन सब जगह पे इंडिया में RRBs हैं, तो इन्हीं सभी लोगों ने अपनी अपनी वेबसाइट्स को यहाँ पर मेंशन किया है, RRB के जितने वेबसाइट हैं सभी को मेंशन करके बोला है, आप इधर में से कहीं से भी जाके फॉर्म भर सकते हो, या फिर एक अलग से जो आपकी जिस वेबसाइट से मैं डिस्कस कर रहा हूँ वहाँ से भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अभी एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया है, कैंडिडेट को क्या एलिजिबिलिटी रखनी है तो आपको समझ आ गई होगी। कैंडिडेट कैन अप्लाई और टू ओनली वन RRB एंड ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ठीक है, कैंडिडेट को याद रखना है कि वो किसी भी एक ही RRB पे अप्लाई करे। अभी जैसे कि आपको ये तो दिख गया कि टोटल वैकेंसी इतनी है, आप किस RRB में, किस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में कितनी वैकेंसीज दी हैं ALP की, वो आपको कैसे पता लगेगा, तो वो मैं आपके साथ डिटेल्ड नोटिफिकेशन कल डिस्कस कर दूंगा, तो तब आप उसके बारे में समझ सकते हो। कैंडिडेट मस्ट कीप देयर रजिस्टर्ड, आपको एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल ID की जरूरत होगी, जिसकी मदद से आप रजिस्ट्रेशन करोगे, प्लस आप लोग फॉर्म भरोगे। ठीक है, अब देखोगे इन्होंने डेट कितनी दे दी है, आप देखोगे इस नोटिस पे डेट दी है इन्होंने 20 जनवरी, आप कहोगे यार आज 18 जनवरी, देख लो नोटिस पहले ही छाप दिए, सब कुछ पहले कर दिया, लेकिन यहाँ पर डेट डाल दी 20 जनवरी, क्यों, क्योंकि ये 20 जनवरी के अखबारों में डालना होगा ये सब, या तो परसों वाले दिन के अखबार में ये सब डालना होगा, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में, प्लस ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, एम्प्लॉयमेंट के जो नोटिस होते हैं वहाँ पर, तो इसलिए 20 जनवरी, अभी मतलब जो परसों लोग सभी न्यूज़पेपर में देखेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, उनको ये परसों पता लगने वाला है, जो मैंने आपके साथ आज ही डिस्कस कर दिया है इस तरीके से। चेयरपर्सन जो RRB के चेयरपर्सन है उनके द्वारा इस नोटिस को रिलीज़ करा, तो भाई बहुत पहले प्लानिंगें होती हैं साल साल भर की रिक्रूटमेंट्स के लिए, तो इस तरीके से ये है, तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी है आज ही, जो चीज़ आपको परसों पता लगेगी न्यूज़पेपर की मदद से, अब वो चीज़ें होंगी, और एक एक वैकेंसी किस किस RRB में कितनी वैकेंसी दी है, और सैलरी क्या, एक्चुअल सैलरी आपने यहाँ देख ही लिया, बेनिफिट क्या क्या होंगे, सारा कुछ मैं डिटेल्ड आपके साथ कल ही डिस्कस कर दूंगा, तो आप लोग उस वीडियो के लिए रेडी रहो। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया है टोटल वैकेंसी 5,696 है, यानी कि ये टोटल टोटल वैकेंसी आपके हो जाती हैं 5,700
कि आप लगभग मान सकते हो। 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा, आईटीआई वाले सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इसमें एक्चुअल वैकेंसी अभी क्लियर, जो एक एक अलग अलग से है ना कि किस किस पे कितनी कितनी एएलपी जाएंगी, बेसिकली किस आरआरबी में कितनी वैकेंसियाँ जा रही हैं, वो मैं आपको जल्द ही क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। सभी को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, ऑल इंडिया से फॉर्म भर सकते हैं, हालांकि इन्होंने मेंशन नहीं करा कि इंडिया से फॉर्म भरेंगे या कहाँ से भरेंगे, लेकिन इसमें इंडिया के लोगों को ये रिक्रूट करेंगे, ये तो आपको श्योर है ही, ठीक है। तो ये नोटिस आप शेयर कर दो लोगों को, ये मैंने इसका लिंक आपको प्रोवाइड कराया, और जो भी जानकारी आपको बताई गई इस वीडियो में उसको आप शेयर करो लोगों तक, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, खासकर इंडिया के एक एक लोगों तक, एक एक गली तक इस जानकारी को पहुंचा दो जल्द से जल्द। और कोई डाउट लगाओ कमेंट में बता दो, मैं आपसे मिलता हूँ नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।